हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं आपका स्वागत करती हूँ मदर डॉटर कुकिंग शो में। मैं लेकर आई हूँ बहुत हेल्दी और स्वादिष्ट सब्जी, तो चलिए चलते हैं मेरे किचन की तरफ। ये है गाजर मटर, ये हमने 4 गाजर लिए, आज हम इसकी सब्जी बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम गाजर को इस तरह से छील लेंगे। अब देखिए हमारी गाजर छिल चुकी है, किनारे भी अलग कर लिए हैं, अब पतले पतले पीसेस में काट लेंगे। अभी गाजर कट चुकी है, अब इसमें हम मटर डाल के इसको अच्छे पानी से धो लेंगे। अभी हम मिर्ची को बारीक बारीक कट कर लेंगे। ये हरी मिर्ची कट चुकी है, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप मिर्ची कम डालें। अभी हमने 2 इंच की अदरक ली है, 8-10 कलियां लहसुन की ली हैं। अभी इसे दरदरा कर लेंगे। दरदरा मसाला तैयार है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और इसमें अदरक लहसुन थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। हमारी सारी सामग्री रेडी है, अब हम इसमें कुकर रख दिया है। अब ये बड़ा चम्मच ऑयल ले लेंगे, जीरा डाल देंगे, राई ऐड कर देंगे, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, हरी मिर्ची डाल देंगे और इसे अच्छे से भुनने देंगे। इसे पकने में 2 से 3 मिनट लगे हैं क्योंकि अदरक लहसुन है, जल्दी से पक जाता है। अब बाकी मसाले ऐड कर देंगे, धनिया ऐड कर देंगे, हल्दी हमने डाल दी है, अभी थोड़ी सी लाल मिर्ची ऐड करेंगे क्योंकि इसमें हरी मिर्ची पहले से ही है। आप इसमें मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सब्जी को अच्छे से भून लेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से पक जाए। अब ये मसाला हमारा पक चुका है, अब इसमें गाजर मटर डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे। अब ये गाजर के अंदर बहुत मॉइस्चर होता है, इसलिए हम इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे और 2 सीटी इसमें ले लेंगे। आप चाहो तो इसे आप कढ़ाई में भी बना सकते हो, पर ये कुकर में जल्दी बन जाती है। अब इसे हम 2 सीटी के बाद तुरंत खोल लेंगे। अभी इसमें थोड़ा मॉइस्चर है, अभी इसे हम लो फ्लेम पे पका लेंगे। अब इसे हम लो फ्लेम पे पका लेंगे ताकि इसका पूरा मॉइस्चर जल जाए। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, पर पानी जलने के बाद में इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। ये हमारी गाजर पक चुकी है, ये हमने गैस बंद कर दिया है और 1 मिनट के लिए पकाया है। अब इसमें हम हरा धनिया ऐड कर देंगे। हम इसकी सर्विंग कर लेंगे। इसमें मैंने देसी गाजर यूज़ की है, जो लाल कलर की होती है, सर्दियों के दिनों में आसानी से मिल जाती है। आप इसे बच्चों को भी दे सकते हैं और बड़ों को भी दे सकते हैं। इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो कैसी लगी हमारी गाजर मटर की स्पेशल सब्जी? इसमें मीठापन भी होता और बहुत पौष्टिक होती है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।